वेलकम एवरीवन टू दिस चैनल CSIR नेट लाइफ साइंस। और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिलेबस, सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस का, लाइफ साइंस के जितने सब्जेक्ट हैं, आइदर इट इज़ माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और द बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी एंड सो ऑन। सो और मैंने इसकी पिछली वीडियो में नेट लाइफ साइंस के पैटर्न और उसके पूरे इन्फॉर्मेशन वाउचर के बारे में डिस्कस किया था, जिसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और मैंने उसका रिलेटेड PDF भी टेलीग्राम में शेयर किया है, तो आप इस लिंक के थ्रू उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप और भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आप सब ले सकते हैं। सो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जनरल एप्टीट्यूड की, तो इसमें आएगा वर्बल एप्टीट्यूड, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, टेंस, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव, प्रोपोजिशंस, कंजक्शंस, वर्ब, नाउन, एग्रीमेंट एंड पार्ट ऑफ स्पीच, बेसिक वोकैबुलरी, वर्ड्स, आइडियम, फ्रेजेस। छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक मार्क्स में ये सब क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट इसका जो पार्ट रहेगा जनरल एप्टीट्यूड का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें 3D प्लॉट, मैप्स, टेबल्स और आपके इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री एंड सो ऑन। और उसके बाद है एनालिटिकल एप्टीट्यूड, जिसमें लॉजिक, एनालॉगी और ये सारे क्वेश्चन आएंगे। और नेक्स्ट स्पेशल एप्टीट्यूड, जिसमें आपके आएंगे ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, मिररिंग, असेंबलिंग, पेपर फोल्डिंग, कटिंग। तो ये जो आपका सिलेबस है पार्ट ए, सॉरी, ये जनरल एप्टीट्यूड का है, जो कि सारे टेस्टों के लिए कंपलसरी है और 15 मार्क्स का जो होगा टोटल। तो जो 15 मार्क्स हैं वो आपके यहाँ से आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है सैम्पल्स ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसे वर्बल एप्टीट्यूड है तो उसका मान लीजिए एक क्वेश्चन आया कि इस सेंटेंस में से कौन सा ग्रामर के रिगार्ड सही है, मतलब जिसमें ग्रामर एकदम सही है। तो आई विल नॉट लीव द प्लेस अंटिल द मिनिस्टर डज नॉट मीट मी, आई विल नॉट लीव द प्लेस अंटिल द मिनिस्टर डजेंट मीट मी, और इसी तरह चार ऑप्शन है। तो उसका राइट आंसर होगा आई विल नॉट लीव द प्लेस अंटिल द मिनिस्टर मीट्स मी। अंटिल, क्योंकि डज नॉट का मीन भी यही होता कि जब तक कि वो मुझसे ना मिलें, और अंटिल का मीन्स भी होता, दोनों चीज़ों का यूज़ एक जगह पे नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे अंटिल का यूज़ हो गया तो डज नॉट नहीं आएगा। तो राइट ऑप्शन इज़ डी। नेक्स्ट है इंडियन करेंसी नोट्स शो डिनोमिनेशंस इंडिकेट्स एट लीस्ट 17th लैंग्वेज एंड इफ इट्स नॉट एन इंडिकेट द नेशन डाइवर्सिटी नथिंग एल्स इज, विच ऑफ द फॉलोइंग द लॉजिकली इन्फर्ड इन द अबव सेंटेंस। तो इसमें भी जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। ये कुछ सैम्पल्स क्वेश्चंस हैं जो आप देख सकते हैं कि एप्टीट्यूड में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इसी तरह ये एक क्वेश्चन है कि विच इज़ द क्लोजली रिजेंबल मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज क्या होगी। तो मिरर इमेज का तो सीधा सा एक तरीका होता है कि अगर ये ऐसे बना, इसी को बिल्कुल ऐसा बना दें, और ये ऐसा है तो ये भी हमें ऐसा ही मिलेगा, और ये जो साइन ऐसा है तो इसमें हमें ये साइन ऐसा मिलेगा। तो ऐसा कुछ मिलता जुलता ऑप्शन जो होगा वो होगा, एक सेकेंड, मिरर इमेज, सॉरी, ये मैंने वाटर इमेज बना दी, मिरर इमेज की बात कर रहे हैं ना। तो हाँ, ये एरो का, एरो से शुरू करें, एरो जिस तरफ, हाँ, इसका आंसर राइट आंसर सी होगा। हाँ ठीक है, तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे, हमें पता है कि जो गेट होता वो एक तो होता बायोलॉजिकल साइंस के लिए, लाइफ साइंस वाले बच्चों के लिए जो और भी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड होता है, और एक होता है बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो ये बायोटेक्नोलॉजी के लिए पूरा एक उनका एक अलग पार्ट रहता, वो उसको जाके अटेम्प्ट कर सकते। और तो एक तो ये बायोटेक्नोलॉजी वाला सिलेबस है, और एक लाइफ साइंस में अलग से कॉम्बिनेशन रहता बायोटेक्नोलॉजी का, तो एक उसका एक सिलेबस अलग है, तो आप कन्फ्यूज़ मत होना। तो फर्स्ट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, इसमें कुछ मैथमेटिक्स आएगी, जैसे लीनियर जेब्रा, लीनियर एलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इक्वेशंस, न्यूमेरिकल मेथड्स। तो होप
ये सब आप लोग नोट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, और इसमें से आप देख सकते हैं सिलेबस कि किस टाइप का आपको टॉपिक पहले कर तैयार करके रखना है, और किस में आप वीक हैं, किस से आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो कि आएंगे बायोटेक्नोलॉजी के, प्लस इसके सेक्शन टू में जनरल बायोलॉजी आएगा। जनरल बायोलॉजी में इसके क्या क्या आएगा, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। तो बायोकेमिस्ट्री में वही सब आ जाएगा कि आपकी स्ट्रक्चर्स, लिपिड, पम्प्स, मोटर, मॉलिकुलर मोटर और एंजाइम्स और एंजाइम काइनेटिक्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आई थिंक आपको, अगर इफ़ यू प्रेफर लैनेजियर देन यू विल डेफिनेटली सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। एंड द माइक्रोबायोलॉजी, फॉर द माइक्रोबायोलॉजी प्रेस्कॉट इज़ गुड वन बुक। एंड इम्यूनोलॉजी में भी आपके कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं 1 और 2 मार्क्स के। और सेक्शन 3 में रहेगा जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी। एंड अब आता है सेक्शन 4, जिसमें आई आपकी बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, जिसमें आएगा क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, बायो इनर्जेटिक्स, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस एक्सेट्रा। ट्रांसपोर्ट प्रोसेस वही है ये। और ये रहा आपका सेक्शन 5, जिसमें रहेगा बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग एंड प्रोसेसिंग बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आपका आएगा बायो रिएक्टर रिएक्शन इंजीनियरिंग। ये सब आपका थर्मोडायनामिक्स हो गया, कि फर्स्ट ऑर्डर जीरो, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, आइडल बैच मिक्स, प्लग फ्लो, एंजाइम इमोबिलाइजेशन, ये सब कुछ टेक्निक्स हो गई जो आपके आएंगे। और फिर ये अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस। सेक्शन 6 इस प्लांट एनिमल एंड माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आपका प्लांट टिशू कल्चर एंड मल्टी टिशू कल्चर, ये सारी चीज़ें आएंगी। एंड 7th इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड अदर टूल्स एंड बायोलॉजी, जिसके लिए आप गार्डनर की बुक या फिर आप कोई भी जेनेटिक की बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत ही आराम से, और मेन सबसे चीज़ है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर लगा उनमें से आप कुछ क्वेश्चन छांटे। और टेक्निक्स के लिए जो है ये जो RAPLF, RAPD, सेल्फ साइटेड डायरेक्शन म्यूटाजेनेसिस, इन सब के लिए सबसे अच्छी बुक आपको रहेगी, एक तो स्टेयर की हो गई बायोकेमिस्ट्री, और एक एक चलिए ठीक है बाद में देखते हैं, एनालिटिकल टूल, और ये कंप्यूटेशनल टूल्स। लाइफ साइंस का सिलेबस शुरू हो रहा है यहाँ से। लाइफ साइंस पार्ट में केमिस्ट्री कंपलसरी रहेगा सभी के लिए। फॉर केमिस्ट्री द सिलेबस इज एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड द प्रायोरिटी। ये पढ़ेगा प्लांट क्वांटम थ्योरी, प्लैंक, जिसमें वो वेवलेंथ वाला रहता है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद क्या है, वेव पार्टिकल ड्यूलैटी, ड्यूएलिटी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जिसमें आती, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो अनसर्टेन रहेगा। ये कुछ बेसिक्स जो आपके 12th लेवल की केमिस्ट्री है वो आई है। कंपैरिजन बिटवीन द बोहर्स मॉडल्स एंड क्वांटम मैकेनिज्म मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, कॉन्फिग्रेशन, हंट्स रूल कि लास्ट में 8 होना चाहिए, और वो जो एनर्जी लेवल हैं उनके एलिमेंट्स के वो बढ़ते जाएंगे। पीरियोडिक टेबल आपको पता है मेंडलीव ने जो दी थी, तो उसमें आयनाइजिंग एनर्जी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है घटती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है और हाई टू लो कम होती चली जाती, हाई टू लो भी कम होती, हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट रहता है पीरियोडिक टेबल में वो फ्लोरीन रहता, क्लोरीन उसके बाद रहता, एंड देन आयोडीन। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वही है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा अगर पीरियोडिक टेबल में किसी की होती वो होती क्लोरीन की, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती फ्लोरीन की। हाँ, अब उसके बाद क्या, स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग आयनिक एंड द कोवेलेंट बॉन्ड, कि कोई भी नॉर्मल से क्वेश्चंस आ जाते कि इनके बीच कितने इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग है,
और ये वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस, तो ये सारी चीज़ें आपकी केमिस्ट्री में आएंगी। पी एस ब्लॉक एलिमेंट जिसमें, हाँ ये आ गया, बोरोन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये सब जिन्हें, हाँ एल्कलाइन और अर्थ मेटल भी कहते हैं, एने, लिथियम, पोटेशियम, आर बी, ये सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट इज केमिकल इक्विलिब्रिया। केमिकल इक्विलिब्रिया में आपके कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट, पीएच, बफर सिस्टम, ये सारी चीज़ें आएंगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल पोटेंशियल और रिएक्शन काइनेटिक्स में एनर्जी, एंजाइम रिएक्शन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। थर्मोडायनामिक्स, नॉर्मल सी थर्मोडायनामिक्स पूछेंगे, किरचॉफ इक्वेशंस क्या होती है, हीट ऑफ रिएक्शन, हेस लॉ ऑफ एनर्जी और हीट फॉर्मेशन और इंट्रोपी, तो ये सारी चीज़ें आपकी केमिस्ट्री की। एंड द लास्ट यूनिट फॉर द केमिस्ट्री इज स्ट्रक्चरल रिलेटिविटी, को कोरिलेटिव कोरिलेशंस एंड द ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म एंड केमिस्ट्री ऑफ बायो मॉलिक्यूल लाइक अमाइनो एसिड्स, प्रॉपर्टीज, न्यूक्लिक एसिड एंड द न्यूक्लियोटाइड। तो इन सबको मैं डिटेल पढ़ना, और वैसे भी व्हेन वी प्रेफर लेनिन चेयर वी हैव क्लियर ऑल डाउट्स अबाउट द बायो मॉलिक्यूल, उसमें चैप्टर बायो मॉलिक्यूल, वो बहुत ही अच्छा है। तो नेक्स्ट अब शुरू करते हैं, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि वो बायोटेक्नोलॉजी एक लाइफ साइंस एक सेल होता, और गेट एक बीटी से भी भरा जाता, जो बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चों के लिए होता जो इससे एमएससी करके आते हैं। और ये जो एक्सेल क्यू बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी है, इसे हम कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट में ले सकते हैं, इसका सिलेबस अलग होगा, तो आपको क्यूज़ नहीं होना है। तो इसमें सेक्शन फर्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन बायो मॉलिक्यूल, अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड मॉलिक्यूल एंड प्रोटीन फोल्डिंग, मिस फोल्डिंग, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो जैसे ही आप लेनिन खोलेंगे, आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर वहाँ मिल जाएगा, और इवन बायोकेमिस्ट्री की जितनी सारी चीज़ें हैं, सॉरी, अच्छा ये सॉरी, ये जो स्लाइड है मुझसे गलत हो गई, यहाँ बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, यहाँ बायोकेमिस्ट्री है। ये आप यहाँ माइंड मत करना, सॉरी। तो ये है बायोकेमिस्ट्री, और यहाँ पे क्या है कि आपके ये यूनिट्स हैं, एंजाइम, टी सी ए साइकिल एंड सो ऑन, जिसमें आपके लिए सबसे बेस्ट प्रेफरिंग बुक रहेगी वो रहेगी आपकी लेनिन, आप उससे पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या है, बायो ये जैसा सिलेबस आपको नज़र आ रहा है ना, सेम टू सेम वैसा उसका इंडेक्स ही है, तो आपने अगर वो पढ़ ली, आपने उसके डायनामिक्स क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आपका पेपर कहीं नहीं जाएगा। बायो मॉलिक्यूल सेपरेटिंग टेक्निक्स, यूवी विजुलाइजेशन, फ्लोरोसेंस, स्पेक्ट्रोफोटोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड सेक्शन फोर में अगर हम बात करेंगे तो सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनेल, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, एक्शन, पोटेंशियल। तो इसमें सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनेल, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, एक्शन पोटेंशियल जो हम पढ़ेंगे, सोडियम नाइट्रोजन पंप का, और उसके बाद है मेम्ब्रेन असेंबली, प्रोटीन टारगेटिंग, और ये तो सेक्शन फाइव में क्या, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए डैमेज रिपेयर, पीसीआर, साइट डिटेक्टेड, म्यूटाजेनेसिस, डीएनए माइक्रो एरे, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, जीन साइलेंसिंग एंड एडिटिंग। नेक्स्ट यूनिट सिक्स, इम्यून सिस्टम, इननेट एंड अडैप्टिव इम्यूनिटी, कि कौन सी हमें बाय बर्थ मिली है, कौन सी हमने बाय वैक्सीन्स एक्वायर की है। सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड एंटीबॉडी स्ट्रक्चर्स, मेनली जो आपकी फाइव टाइप की एंटीबॉडीज हैं उनको आप पढ़ लीजिए छोटे छोटे। एक आई थिंक एंटीबॉडी के लिए सबसे अच्छा आइडिया कि हम एक टेबल बना लें उसकी, और एक कंपैरिजन में पांचों के बारे में लिख लें, तो कुछ जो एक हट के पॉइंट होते हैं उनसे जो क्वेश्चन बन के आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एंड सेल, बी सेल, टी सेल रिसेप्टर्स, बी सेल टी सेल एक्टिवेशन, एम एच सी, रियलाइजर, साइटोमेट्री, सो ये सारी जो टेक्निक्स हैं उन्हें हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं, और इनसे सीधे सीधे क्वेश्चंस आएंगे, वी कैन ईजिली सॉल्व।
नेक्स्ट है बॉटनी सेक्शन विच इज द कोड फॉर बॉटनी इज XLR. सो बॉटनी इन द फर्स्ट सेक्शन इज प्लांट सिस्टमैटिक बॉटनी नॉमनक्लेचर हिस्ट्री ऑफ द प्लांट टैक्सोनॉमी डाइवर्सिटी द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट APG सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक्स एंड द क्लैडिस्ट्रिक्स एंड द मॉलिकुलर टैक्सोनॉमी ऑफ द DNA बारकोडिंग सेंटर ऑफ द प्लांट टैक्सोनॉमी हर्बेरिया इन इंडिया. सेकेंड सेक्शन इज प्लांट एनाटॉमी एनाटॉमी ऑफ रूट स्टेम लीफ फ्लोरल ऑर्गन embryo in the young seedlings and primary and the secondary meristem stellar organization vascular system and their ontogeny xylem phloem structure secondary growth in plants and wood anatomy. तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉटनी में हैं और सेक्शन थ्री में भी लाइफ साइकिल्स हैं एंजियोस्पर्म के मेल फीमेल गैमेटोफाइड है और आप मतलब अगर आप CSIR के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर आप उनके ऑथेंटिक बुक से पढ़ रहे हैं यू कैन डेफिनेटली क्वालिफाई दिस एग्जाम गेट. CSIR के लेवल अगर आप CSIR के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप कोई भी पेपर बहुत इजीली आराम से सॉल्व कर सकते हैं. मतलब अगर आपने उसके लिए अच्छे से पढ़ ले तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी. तो और ये जो जो डिफरेंट सेक्शन के जो सिलेबस हैं वो पूरा सिलेबस मिलके एक CSIR का सिलेबस बनता. तो हर जो भी एक कैंडिडेट है वो CSIR के लिए प्रिपेयर करता तो उसके 7 से 8 यूनिट में कमांड तो होती ही है. तो वो चाहे तो ये दो सेक्शन कोई भी अच्छे दो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेके गेट को भी बहुत आराम से क्वालिफाई कर सकता. तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है और अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें उसके एक दिन ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. सो नेक्स्ट इज़ प्लांट डेवलपमेंट सेल टिश्यूज मॉर्फोजेनेसिस. तो इसमें आपके ये ABC मॉडल जाइलम फ्लोएम डिफरेंशिएशन ये सब चीज़ें आएंगी आपकी. ठीक है और नेक्स्ट है आपका प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. तो वही चीज़ें आ गई आपकी C3, C4 कैम साइकिल TC ये सारी चीज़ें आप CSIR के लिए भी पढ़ रहे थे. फोटो रेस्पारेशन रेस्पारेशन फ्रीजिंग एंड हीट स्ट्रेस स्ट्रेस वाला पूरा चैप्टर अगर आप तेज एंड जेगर से अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपका CSIR में भी बेनिफिशियल तो रहेगा ही रहेगा और आपका गेट भी ईजिली क्रैक हो जाएगा. तो उसके बाद है फिर आपका बॉटनी चल रहा जिसमें जेनेटिक्स एंड जीनोम्स आएगा वो सब आपका इजीली कवर हो जाएगा. अगर आप मॉलिकुलर आपकी अच्छी है तो आप ये वाली सेक्शन तो बहुत इजीली कर लेंगे. और उसके बाद है प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक मॉडिफिकेशन जीनोम एडिटिंग एंड नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एंड अप्लाइड बायोलॉजी. ये थोड़ा सा एक डिफरेंट पार्ट है और जो बॉटनी के बच्चे हैं वो ये मेरे ख्याल से वो तो ये ग्रेजुएशन में ही एक इसकी पूरी बुक पढ़ लेते तो उनके लिए ये बहुत ईजी सेक्शन मतलब सेक्शन ईजी है अगर उनकी कमांड है बाकी सारे सब्जेक्ट्स में. और वो क्योंकि बॉटनी से हैं तो फिर उनके लिए तो ये सेक्शन बहुत ज़्यादा ईजी है 7th वाला. तो BT कॉटन्स BT ब्रिंजल ये सब चीज़ें पढ़ते रहते हैं. लाइफ साइंस में सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड और प्लांट पैथोलॉजी भी उनके एक अलग से सब्जेक्ट रहेगा तो वो आराम से कर लेंगे. इकोलॉजी इन्वायरमेंट एक ऐसा है कि ये समझने वाली चीज़ें हैं. अगर आपने इसमें एक बार कॉन्सेप्ट अपने बेसिक्स क्लियर कर लिए देन यू मतलब आप उसमें पूरे में से पूरे मार्क्स अगर किसी में ला सकते हो वो इकोलॉजी में आप ला सकते हैं. नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी जिसके लिए आप प्रेफर कर सकते हैं प्रेस्कॉट की बुक. और उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लैंडमार्क डिस्कवरीज. तो उसमें मतलब अगर हम कोई बुक पढ़ते तो हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत उसके जो चार्ट हैं उनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना उनके जो डायग्राम्स हैं उनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना. आप अगर प्रेस्कॉट खोलेंगे तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें एक पूरे ऐसे ऐसे करके हिस्टोरिकल इवेंट्स बताए गए. इसमें अंदर की साइड जो हैं वो सारे आपके बायोलॉजिकल इवेंट्स बताएगा और उसके साथ साथ जो बाहर के इवेंट्स चल रहे थे उन्हें बाहर की साइड बताएगा कि अगर वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी तो वो भी बताएगा. तो वो सब ऐसी चीज़ें अगर आपने वो एक बार दिमाग में बैठा ली तो ये सारे क्वेश्चंस आप एक चुटकियों में मतलब आप सॉल्व कर देंगे. ठीक है तो आपको डायग्राम्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. उनके इन डायग्राम के नीचे जो टेक्स्ट लिखा रहता वो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होता. तो अब इसमें क्या है कि रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो सब आप उसमें से आराम से मतलब ये पूरा सेक्शन आपको प्रेस्कॉट से इजीली कवर हो जाएगा. उसमें ये सेकंड चैप्टर ही है माइक्रोबायोलॉजी का. उसमें ये माइक्रोस्कोप्स के बारे में दिया सारी चीज़ें दी तो वो आप उससे इजीली आप उस बुक को प्रेफर करेंगे और आप
सेक्शन में अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आए हैं। माइक्रोबियल टेक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी भी उसमें है, वो आप पढ़ सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, ये तो मेरे ख्याल से लाइफ साइंस के हर बच्चे को ये वाला सेक्शन जो है वो इजीली कर सकता। थोड़ी बहुत चीज़ें उसे डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, ऐसे कोई बॉटनी का है अब उसको तो थोड़ा सा उसको डिटेल पढ़ने की ज़रूरत है कि ये कैप्सूल्स के स्ट्रक्चर्स, उनके अंदर कौन से डिफरेंस हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव में, तो ये सारी चीज़ें। माइक्रोबियल ग्रोथ वो एक पूरा एक, ये तो एक टॉपिक ही है, और देखिए एक टॉपिक से आपका पूरा एक सेक्शन बन रहा, तो ये कितनी अच्छी बात है। कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म, तो ये सब आपका बायोकेमिस्ट्री अगर आपने पढ़ ली अच्छे से तो आपका ये वैसे ही कवर हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबियल डिसीज़, होस्ट पैथोजन इंटरैक्शन, ये भी आपको उस बुक में मिल जाएगा, तो आप ये आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी, एंटीबायोटिक्स, माइक्रोबियल जेनेटिक्स, ये जेनेटिक्स से ही आपका माइक्रोबियल जेनेटिक्स भी कवर होगा, क्योंकि अगर आप कोई भी बुक खोलेंगे तो उसमें प्रोकैरियोट, अगर रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें प्रोकैरियोट्स का भी होगा और यूकैरियोट्स का भी होगा, तो प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया का आपने रेप्लिकेशन कवर कर लिया तो इसमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। और माइक्रोबियल इकोलॉजी, ये बहुत इजी चीज़ें हैं, ये आजकल जो रिसर्च चल रही है उससे रिलेटेड है कि अगर कोई बैक्टीरिया हम उसको बायो रेमेडिएशन में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो कुछ ये नॉर्मल टेक्निकल चीज़ें हैं माइक्रोबायोलॉजी की। नेक्स्ट सेक्शन है जूलॉजी, जूलॉजी में एनिमल डाइवर्सिटी, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी। सेल बायोलॉजी आएगा, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिकुलर बायोलॉजी, जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स, तो देख रहे हैं आप मतलब कि कितना कनेक्ट है, ये सारी चीज़ें फिर से आपकी वही आ गई हैं। लिपिड मॉलिक्यूल ये सब आपने बायोकेमिस्ट्री में कहीं ना कहीं पढ़े ही हैं, तो कुछ भी कठिन नहीं है। एंड नेक्स्ट सेक्शन इज एनिमल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें कंपैरेटिव फिजियोलॉजी, हाँ वो थोड़ी सी टफ होती कि रेस्पिरेशन में कंपैरिजन होगा इवोल्यूशन से लेके अब तक का, कि फिशेस में कैसा होता रेस्पिरेशन सिस्टम, फिर उसके बाद एम्फीबियंस में कैसा रहता, तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो जूलॉजी के बच्चों ने डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ रखी होगी, उनके लिए बहुत छोटी चीज़ें हैं। उसके बाद है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, तो इससे हम इसको हम गिलबर्ट से पढ़ सकते हैं, आई थिंक उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है एनिमल बिहेवियर, ये भी आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद है ये फूड टेक्नोलॉजी, यू सेक्शन, जिसमें आपका आएगा यही, ये भी आप वही कार्बोहाइड्रेट वगैरह आ गए, थोड़ा सा इसमें डिटेल है। ये फूड टेक्नोलॉजी वाले बच्चे इस सेक्शन को प्रेफर करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा। और माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चे, कुछ बच्चे भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उन्होंने पढ़ी होती, जैसे ये पूरा जो पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो फूड स्पॉयलेज जो है ये माइक्रो बायोलॉजी वाले बच्चों ने ज़्यादा डिटेल पढ़ा होगा फूड पॉइजनिंग वाले चैप्टर में, तो ये उनके लिए इजी है। और प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, चीजिंग, फ्रीजिंग, तो माइक्रो बायोलॉजी में एक पूरी मतलब एक पूरी सब्जेक्ट ही रहता है फूड माइक्रोबायोलॉजी का, तो आई थिंक उसके लिए उसमें ये काफ़ी चीज़ें कवर अप हो रही, तो उनके लिए अच्छा है। और ये टेक्नोलॉजीज़ हैं कुछ जो पेपर में आनी है, ये फूड इंजीनियरिंग है, तो इनके लिए मैंने कुछ अलग से बुक, मैंने सबके लिए अलग अलग नहीं करी, पर ये कुछ बुक्स हैं नेट जेआरएफ की, तो अगर आप इनमें से मतलब इनसे आप तैयारी कर लेते हैं तो डेफिनेटली यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई गेट विद गुड रैंक। मतलब कि जैसे सेल हो गया तो आप कार्प ले लीजिए, अल्बर्ट ले लीजिए, कूपर ले लीजिए, बायोकेमिस्ट्री के लिए लेलिंजर ले लीजिए, गार्डनर ले लीजिए, जेनेटिक्स के लिए, तो ये सारी टेक्निक्स के लिए आप विल्सन एंड वॉकर, हाँ मुझे यही नाम याद नहीं आ रहा था, विल्सन एंड वॉकर ले लीजिए, इन्वायरमेंट के लिए ऊडम ले लीजिए, तो ये सारी बुक हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें सारे के सारे PDF वहाँ हैं, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, आपको वहाँ से नहीं, अगर आपके पास कहीं और से अवेलेबल है तो आप वहाँ से बिल्कुल कर सकते हैं। और इनके अलावा भी वहाँ पे कुछ PDF है, तो होप्स हो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ ना कुछ तो जानने को मिला होगा। और थैंक यू।